दोस्तों कंटेंट अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें इसके लिए बेल आइकन दबाने के बाद ऑल पे जरूर क्लिक कर देना। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं विवेक सिंह और दोस्तों टेक्नोएक्सर की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। सैमसंग की ए सीरीज, वैसे एक वीडियो बनाया था जो मैंने अपकमिंग स्मार्टफोन ऑफ मार्च 2023, उसमें कहा नहीं था कि सैमसंग का कोई बड़ा स्मार्टफोन आने वाला है, लेकिन मिड मार्च में आपको देखने को मिलेगा सैमसंग के दो स्मार्टफोन, जिसका वेट था, मैंने कहा भी था कि शायद अगले हफ्ते महीने आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इसी महीने आ रहे हैं एंड इनका लॉन्च डेट भी आ गया है। स्पेसिफिकेशन बताऊंगा सब कुछ। मैं बात कर रहा हूं सैमसंग गैलेक्सी A34 और A54 की, दोनों नॉर्मली साथ में ही आते हैं। प्राइसिंग थोड़ी महंगी होती है, इस बार भी होगी, लेकिन कब आने वाला है सबके ऊपर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। योगेश ब्रार टिप्स्टर है, कल उन्होंने ट्वीट करके बता दिया कि 16th of March यानी 16 मार्च को लॉन्च होने वाले ये दोनों इंडिया में। चलिए, अभी तक ऑफिशियल तो नहीं हुआ है, लेकिन वो कह रहे हैं और काफी ट्रस्टेड टिप्स्टर हैं, जो टिप्स देते हैं काफी हद तक सच होते हैं, तो एक्सपेक्ट करते हैं जल्दी सैमसंग इनके बारे में बताएगा भी क्या चीजें मिलने वाली है और किस प्राइस तक आने वाले हैं। थोड़े महंगे होंगे, ठीक है। A34 जो है ये, इसकी प्राइस जो है 30,000 के नीचे होगी, 28,000 से 30,000 के आसपास समझना, और A54 जो है 40,000 के नीचे आएगा, तो 35,000 से 40,000 के बीच में इसकी प्राइस हो सकती है। स्पेसिफिकेशन क्या होंगे, सबसे पहले A54 की बात करोगे तो इसमें आपको 6.4 इंच का सुपर एमोलेड प्लस का डिस्प्ले आएगा पंच होल के साथ। ये 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आएगा, अच्छी चीज है। रियर साइड पे ट्रिपल कैमरा होगा, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा। इसमें आपको सैमसंग का ही खुद का एक्सिनोस 1380 का 5G वाला चिपसेट आने वाला है, तो देखेंगे पहली बार ट्राई करके कैसा चिपसेट है। देन इसके बाद ये एंड्रॉइड 13 के ऊपर ही आने वाला है, जो कि UI 5.1 के साथ आएगा, तो ब्लोटवेयर नहीं रहते उसमें, काफी स्ट्रीमलाइंड UI है, तो ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स आएंगे नहीं। चलिए अच्छी बात है। इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा होंगे, 50+12+5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर होगा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड OIS के साथ। फ्रंट में आपको 25 मेगापिक्सल का सेंसर रहेगा, रियर से 4K, फ्रंट से भी 4K कर पाओगे। 5000mAh की बैटरी होगी, कहा जा रहा है 25W के चार्जर को सपोर्ट करेगा, लेकिन चार्जिंग अब ये देखने वाली बात होगी देंगे या नहीं देंगे, अगर देंगे भी तो कितने वैट का देंगे वो देखने वाली बात होगी। लेकिन प्राइसिंग मैंने कहा इसकी प्राइस कही जा रही है, बेस वेरिएंट जो 8GB 128GB होगा वो आपको 35,000 से 40,000 के बीच में रहेगा। दूसरे स्मार्टफोन की बात करें, ये सैमसंग गैलेक्सी A34 5G, ये भी अच्छा ही होने वाला है, ठीक ठाक सा, मतलब समझ ही लो 30,000 के नीचे प्राइस होगा, 25 से 30 के बीच में कहा जा रहा है। लेट्स सी, देखते हैं किस प्राइस पे लेके आते हैं। इसका भी बेस वेरिएंट 6GB 128GB वाला होने वाला है। अब इसमें क्या मिलेगा, इसमें आपको 6.6 इंच का अगेन 120 हर्ट्ज का सुपर एमोलेड प्लस का डिस्प्ले होगा, लेकिन इसमें यू नॉच होगा, ठीक है ना, वाटर ड्रॉप नॉच जो होता है वो वाला होने वाला है। इसमें भी रियर साइड पे ट्रिपल कैमरा होगा, लेकिन 48 मेगापिक्सल वाला होगा। चलिए इसके बाद चिपसेट की बात करोगे तो इसमें डिमेंसिटी 1080 का 5G वाला चिपसेट आएगा, ये भी एंड्रॉइड 13 के ऊपर आने वाला है, 1UI 5.1 के साथ, तो वो भी काफी स्ट्रीमलाइंड होगा, वहां पे भी इश्यूज नहीं रहेंगे, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, प्रॉब्लम नहीं आएगा, नॉक्स की सिक्योरिटी भी दोनों में रहेगी। चलिए अच्छी बात है। इसके बाद कैमरा तो ऑलरेडी बता चुका हूँ, 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा होगा, जिसमें दूसरा वाला सेंसर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर होगा और एक 5 मेगापिक्सल का मैक्रो। इसमें भी फ्रंट में आपको 25 मेगापिक्सल का सेंसर मिलेगा, रियर से 4K कर पाओगे, फ्रंट वाला देखना पड़ेगा लेते हैं कि नहीं इसमें। चलिए तो कैमरास भी सही होने वाले, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैटरी इसमें भी 5000mAh की होगी, सेम वही चीज है, चार्जर आप कौन सा देंगे, कितने वैट का देंगे, कितने वैट का सपोर्ट करेगा वो देखने वाली बात होगी, एक्सपेक्ट करते हैं 25W सपोर्ट करे। चलो सेंसर्स की बात करोगे तो दोनों में आपको कहा जा रहा है अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा, स्पीकर स्टीरियोज होने के चांसेस हैं, हम लेट्स सी देखते हैं क्या लेकर आते हैं, जैसे और भी इन्फॉर्मेशन पता चलेगा उसके बारे में बता दूंगा, लेकिन बाकी सारे सेंसर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। कार्ड दोनों में डेडिकेटेड होगा, यानी आप एक्सपांड कर पाओगे, वहां पे कोई इश्यूज नहीं आएंगे एंड बाकी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। जैसे मैंने कहा प्राइसिंग 25 से 30 में आपको A34 और 35 से 40 यानी 35 से 40,000 के बीच में A54। 16th of March 16 मार्च को लॉन्च होने वाला है, वेट कर लीजिए, एक आध दो दिन में ऑफिशियल भी करना चालू कर देंगे वो लोग, सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी और कुछ कर भी क्या सकते हैं, वेट ही करेंगे। चलिए वेट करोगे इनका जरूर बता देना कैसा लगा वीडियो, ये बता देना, पसंद आया लाइक बटन शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों पसंद है, और भी बहुत सारे वीडियोस हैं उन्हें भी चेक कर सकते हो और मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। सपोर्ट कुछ खास नहीं करना, साइड में देखो वैक्ट में उसके ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड बताना जरूर कि इनका वेट करोगे या नहीं। अभी के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ नया कहना चाहते हो दोस्तों।